मोहन मरकाम की मौजूदगी में आज नंद कुमार साय कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं राजीव भवन की। राजीव भवन में हलचल बेहद तेज है। सीएम भूपेश बघेल भी राजीव भवन पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देख रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही कि आखिर नंद कुमार साय कहां पर है। पहले खबर यही आई कि वो दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे और फिर कहा गया कि वो रायपुर में ही है और फिर कहा गया कि वो सीएम भूपेश बघेल के साथ ही पहुंचेंगे राजीव भवन। सौरभ लगातार इस पूरी खबर पर पर्पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सौरभ, सीएम भूपेश बघेल के साथ कहा जा रहा था कि नंद कुमार साय पहुंचेंगे, कि क्या उनके साथ पहुंचे हैं? और अगर इनके साथ भी नहीं पहुंचे तो नंद कुमार साय आखिर है कहां? तो लाइव तस्वीरें हम आपको राजीव भवन की दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी राजीव भवन पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब सीएम भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंचे। देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में आदिवासी का बड़ा चेहरा, आदिवासी समाज का नंद कुमार साय अब बीजेपी का दामन छोड़कर के कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। जरूर बीजेपी भी एनालिसिस करना चाहेगी कि आखिर कहां पर उससे चूक रह गई। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय और अब से थोड़ी देर में माना जा रहा है कि वो तस्वीर भी हमारे सामने होगी जब नंद कुमार साय बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के रंग बिरंगे हुए नजर आएंगे, कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कमरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी यहां पर मौजूद है, प्रेम साय टेकाम भी यहां पर मौजूद है और सीएम भूपेश बघेल भी। तीनों के बीच इस वक्त बंद कमरे में मंत्रणा हो रही है। मीडिया को भी वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है आज का दिन बेहद बड़ा ऐतिहासिक दिन कांग्रेस के लिए भी, नंद कुमार साय के लिए भी। व्यथित होकर के उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने स्टेटस भी अपडेट किया। और देखिए सौरभ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस वक्त राजीव भवन में क्या चल रहा है और बड़ा सवाल यही कि आखिर नंद कुमार साय कहां है, कब तक वो राजीव भवन पहुंचेंगे? ठीक है सौरभ, आप सुन पा रहे? चलिए सौरभ से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक्सक्लूसिव और सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सौरभ, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है तो बताइए अभी इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं राजीव भवन में और कब तक नंद कुमार साय पहुंचेंगे यहां पर? वो पहुंच चुके थे और हमने दिखाया कि किस तरीके से ये बंद हो गया। जी सौरभ, बिल्कुल, देखिए अब केवल इंतजार जो है नंद कुमार साय का है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच गए हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंच गए हैं और सबसे पहली तस्वीर जो है आप नंद कुमार साय की इस वक्त जो है IBC 24 पर ही कुछ देर बाद देखिएगा। और तमाम जो तैयारियां है वो कर ली गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है अभी जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे में बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो मंत्री और विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और निश्चित रूप से बस कुछ देर बाद ही जो है ये कांग्रेस प्रवेश जो है उनको दिला दिया जाएगा और जैसे अधिकृत रूप से जानकारी भी दे दी गई है। सौरभ, लगातार बड़ा सवाल यही बना हुआ है, कहा यह जा रहा था कि दिल्ली से पहुंचेंगे नंद कुमार साय, फिर सीएम भूपेश बघेल के साथ वो राजीव भवन पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक वो भी राजीव भवन नहीं पहुंचे। ऐसे में कहां है नंद कुमार साय, क्या कुछ आपको इसके बारे में जानकारी है या फिर कांग्रेस के नेताओं मंत्रियों से आपने चर्चा की है, उन्होंने कुछ बताया? जो है हमने दिखाया कि मिठाई और
राजीव भवन में बड़ी तैयारी की गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर पहले पहुंचे और बस कुछ देर में ही जो है नंद कुमार साय भी पहुंचने वाले हैं। और आप देखिए कि जो प्रभारी महामंत्री रवि घोष जी बहुत खुशी देखी जा रही है, हमारे अनुभवी और पढ़े लिखे नेता है और उनके आने से खुशी की माहौल है। साय जी कहाँ है अभी? साय जी अभी आने वाले। आप वेलकम करने के लिए बाहर आए? हाँ जी। देखिए रवि घोष जी ने एक जानकारी दी है कि हम जो है नंद कुमार साय जी का वेलकम करने के लिए यहाँ पे आए हैं और आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है पहुंचे हुए हैं, तमाम मंत्री पहुंचे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुंवर काम पहुंचे हैं और राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ से हमें जानकारी सौरभ हम तक पहुंचा रहे हैं, राजेश मिश्रा भी इस वक्त राजीव भवन के ही दूसरे गेट में खड़े हैं। राजेश, आप किस तरह की हलचल देख रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे नंद कुमार साय? देखिए नंद कुमार साय कब पहुंचेंगे इसका इंतजार पूरे कांग्रेस भवन में यहां पर हो रहा है, राजीव भवन में हो रहा है, पूरे मीडिया वालों को हो रहा है। अभी हम सड़क पर खड़े हैं और ऐसे जिस तरह से हलचल नजर आ रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त जो है नंद कुमार साय यहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे हुए हैं और जब हमने उनसे इस संबंध में बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं कहा। राजीव भवन में हलचल सुबह से ही मची हुई है, 10:30 बजे का समय था कि नंद कुमार साय यहां पर पहुंचेंगे मगर अब तक नहीं पहुंच चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के तमाम जितने बड़े नेता यहां पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंच चुके हैं, तो हलचल जिस तरह से बता रही कि किसी भी क्षण नंद कुमार साय यहां पर पहुंच जाएंगे और कांग्रेस प्रवेश की जो उनकी औपचारिकता है वो पूरी यहां पर कर ली जाएगी। और जब हम इस संबंध में आज सवेरे से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो चर्चा तो कर रहे हैं, फोन तो उठा रहे हैं मगर इस संबंध में बोलने से बच रहे हैं। शायद जब कांग्रेस में उनका अधिकृत प्रवेश हो जाए तब वो शायद कुछ बोले मगर अभी फिलहाल कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस भवन में आप देख रहे हैं उत्साह का माहौल है, बैंड बाजा बजाया जा रहा है, जो आ रहे हैं लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, बधाई देकर स्वागत कर रहे हैं, तो इस तरह का माहौल यहां पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम यहां पहुंच चुके हैं, तमाम मंत्री यहां पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं में नेताओं में एक थोड़ा सा जंग जीतने की एक जो खुशी होती है वो यहां पर देखी जा रही है, क्योंकि आदिवासी नेता हैं, बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में बहुत पकड़ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण पद में रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण पद में रहे हैं। ऐसे कद्दावर नेता अगर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर उससे नाराज होकर उनकी व्यवस्था से नाराज होकर अगर कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं तो एक तरह से ये काफी बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की मानी जा रही है और शायद यही वजह है कि कल से लेकर आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ खास नहीं बोल पा रहा है। कल जब हमारी इस संबंध में अरुण साव और रमन सिंह से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि उनके मनाने की कोशिश की जा रही है मगर जब वो सामने आएंगे, जब उनसे बातचीत होगी तब उनको मनाया जाएगा। कल उनका लेटर आने के बाद, इस्तीफा देने के लेटर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेताओं से नंद कुमार साय का संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि देर रात तक सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। कल रमन सिंह और अरुण साव ने एक मीटिंग इस संबंध में चर्चा भी हुई है, पवन साय भी थे उसमें और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हाईकमान को दे दी गई है और निश्चित रूप से हाईकमान भी नंद कुमार साय से संपर्क करने का प्रयास कर रहा होगा मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और अब जो जानकारी मिली है कि कुछ देर बाद ही नंद कुमार साय राजीव भवन आएंगे, पूरी बेकरारी से आप देख रहे हैं कि उनका इंतजार यहां पर हो रहा है, बैंड बाजा बुलाया लिया गया है, एक उत्साह एक खुशी कांग्रेसियों के चेहरे पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो सब अंदर में बैठे हैं, बस इंतजार इस बात का है कि नंद कुमार साय कब यहाँ पहुंचेंगे। और कल जब से उनका लेटर यहाँ पर पहुंचा है नंद कुमार साय का पार्टी के पास में इस्तीफे का, उसके बाद से ये प्रश्न भी खड़ा हुआ है कि आखिर वो है कहां। बिल्कुल, सियासी सरगर्मियां काफी तेज है और सवाल यही बना हुआ है कि आखिर नंद कुमार साय है कहां। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए जिस तरह से आपने भी तस्वीरें दिखाई कि ढोल ताशों के साथ यहां पर नंद कुमार साय का स्वागत किया जा रहा है, कांग्रेस की उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी और इससे ही समझा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मंत्री नेता कितने उत्साहित है, क्योंकि आदिवासी के बड़े चेहरे नंद कुमार साय माना जाता है और आज वो पहुंच रहे हैं, अब वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे।
बिल्कुल सही कहा कांचा आपने, और निश्चित रूप से एक दो विचारधारा जो देश में आज दिखती है कांग्रेस और बीजेपी की, और जिस विचारधारा से वो जो है नेता बने और लोगों के बीच जो आदिवासी का एक प्रमुख चेहरा बने, अब वो जो कहीं भाजपा के पास कांग्रेस की विचारधारा में आ रहे हैं, और संभवतः पहली बार जो है आप देखिए कांग्रेस के नेताओं ने ये सूत की माला भी जो है तैयार की है। और देखिए ये सूत की माला कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है, कोई भी कांग्रेस के नेता आते हैं तो उनका स्वागत जो है सूत की माला से ही करते हैं। आप देख सकते हैं जिला अध्यक्ष जी हैं दुबे जी और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, और सूत की माला पहली बार जो है नंद कुमार साय पहनेंगे, और इसके लिए वेलकम के लिए कांग्रेस के तमाम नेता खड़े हुए हैं यहाँ पर। और दूसरी ओर जो है आप जैसे हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और तमाम मंत्री वो जो है कैबिन में बैठे हुए हैं। इसी तरीके से जो विधायक हैं और जो जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के नेता हैं वो जो है एक हॉल में बैठे हुए जहाँ पर कांग्रेस प्रवेश होना है। बिल्कुल सौरभ, किसी भी वक्त नंद कुमार साय यहाँ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जरा आप इनसे पूछिए क्योंकि नंद कुमार साय का कांग्रेस में प्रवेश होना, कांग्रेस की सदस्यता लेना अचानक तो हुआ नहीं है, पहले से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही होगी। तो इस वक्त जो आपके साथ कांग्रेस के नेता मौजूद है उनसे जरा पूछिए कि कब से ये पूरा बैकग्राउंड तैयार हो रहा था, कब से बातचीत हो रही थी, कैसे ये मुमकिन हो पाया कि नंद कुमार साय आज कांग्रेस के साथ होने वाले हैं। जरा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है, और निश्चित तौर पर जो उम्मीद लगाकर आप लोग यहाँ पर आए हैं वो बहुत बिल्कुल देखिए, मैंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से यही सवाल किया था कि नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश को लेकर स्क्रिप्ट कब से लिखी जा रही थी, अर्थात तैयारियां कब से की जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत पहले ही जो है मीडिया में सबसे पहले खबर आई कि जो है नंद कुमार साय पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उसके बाद जो है उनके ओर से भी और हमारी ओर से भी जो है संपर्क किया गया, और फाइनली ये हुआ कि कल उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आज कुछ देर बाद जो है कांग्रेस प्रवेश करने जा रहे हैं राजीव भवन में। और कहीं ना कहीं इस जो बताया जा रहा कि इसके प्रवेश से कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब इसमें लगी हुई है। और सबसे बड़ी चीज देखिए आप कि कांग्रेस ने बीजेपी को एक भी मौका नहीं दिया कि उनके बड़े नेताओं से उनकी बात हो सके। इसलिए आप देखिए कि जब जैसे ही उनकी सबसे पहले कल एक पत्र आता है कि वो पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे, उसके बाद से उनका मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, और अभी तक यह जानकारी नहीं होती मीडिया और अन्य कांग्रेस के नेताओं को, केवल कुछ प्रमुखों को छोड़कर, कि वो है कहां अभी। और उसके बाद जो ये देखा जाता है कि वो आते जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं, फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी समेत तमाम बड़े नेता आते हैं, और कुछ देर बिल्कुल सौरभ सवाल यही अभी भी बरकरार कि नंद कुमार साय आखिर है कहां और वो कब तक राजीव भवन पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी पहुंच चुके हैं, मोहन मरकाम भी पहुंच चुके हैं, आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा। सौरभ और राजेश ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, तुरंत हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा, आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पाचन एक्सपर्ट पचमीना, विमल बोलो जुबा केसरी, नूरानी तेल, नूरानी तेल का साथ बचपन से बुढ़ापे तक, पतंजलि गाय का देसी घी खाए, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाए, और गोयल TMT डटे हैं उसूलों पर। संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल रायपुर, सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर, पेट स्कैन के लिए संपर्क करें। भोला की भक्ति और जीवन में शक्ति के लिए अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। इतनी गर्मी में शादी, नो गिफ्ट्स, केवल आशीर्वाद दीजिए। केवल आशीर्वाद जी अंकल, जी जी जरूर देंगे। हाउ आर यू तेजस, यू लाइक इट? केवल आशीर्वाद, आशीर्वाद चाहोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। जिसका वेदर गार्ड टैंक दे तपती गर्मी में भी ठंडे पानी का आशीर्वाद, आशीर्वाद वेदर गार्ड टैंक। एलिजिबल फिनिशिंग स्कूल और सिटी एंड गिल लेकर आए हैं स्किल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कोर्स, 1 मई से 31 मई तक एक महीने का स्पेशल बैच, सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक। द सर्टिफिकेट रिमूव्स अ बैरियर टू गेटिंग अ जॉब। एनीवन लुकिंग फॉर अ सक्सेसफुल कैरियर इन फूड प्रिपरेशन एंड कुकरी, फ्रॉम स्टार्टर्स टू एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, कैन ऑल्सो अप्लाई एंड वर्क इंटरनेशनली। Give yourself a boost personally and also professionally
अगर आप भी फूड प्रिपरेशन या कुकरी में एक सक्सेसफुल कैरियर चाहते हैं तो आज ही एनरोल करें इस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। एनरोल टुडे एंड मीट द न्यू यू। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9303773730 या लॉगिन करें energyfinishingschool.com या www.cityandguilds.com पर। गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट यू बाय ज्वेलर्स अनूपचंद भंसाली। गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट यू बाय ज्वेलर्स अनूपचंद भंसाली, सदर बाजार, रायपुर। हेल्थ टिप्स के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थवायल। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एम कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आईबीसी 24 शिखर पर पहुंचा। हमारे आसपास कोई भी नहीं। 30% शेयर के साथ एमपीसीजी में नंबर 1 न्यूज चैनल। 52 करोड़ पेज व्यूज के साथ न्यूज पोर्टल आईबीसी 24 नंबर 1। 43 लाख सब्सक्राइबर के साथ यूट्यूब चैनल आईबीसी 24 नंबर 1 पर। चैनल हो या डिजिटल, आईबीसी 24 है सबसे भरोसेमंद। हमको नंबर 1 पर रखने के लिए आप सबका शुक्रिया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सब्सक्राइब न्यूज वेबसाइट। और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। सीएम भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंच चुके हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी राजीव भवन में ही मौजूद है। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता भी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब सबको इंतजार है नंद कुमार साय का कि कब वो यहां पर पहुंचेंगे और फिर कांग्रेस में शामिल होंगे। मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, तमाम जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता है, कैबिनेट मंत्री है, वो इस वक्त राजीव भवन में ही मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अचानक साय के इस्तीफे के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि बीजेपी दावा जरूर कर रही थी कि जितनी भी नाराजगी है वो दूर कर ली जाएगी, नंद कुमार साय को बीजेपी में ही बना करके रखा जाएगा। लेकिन देखिए, भाजपा का साथ छोड़ करके कांग्रेस का हाथ थामने के लिए अब से थोड़ी देर में नंद कुमार साय राजीव भवन पहुंच जाएंगे। राजीव भवन में इस वक्त हलचल बेहद तेज है, जोर शोर से यहां पर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें, 4 दशक से ज्यादा पुराना नाता रहा है बीजेपी और नंद कुमार साय का। कई बड़े बड़े पदों पर ये रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई, लेकिन आखिर में चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका बीजेपी को। बीजेपी से नाराज होकर नंद कुमार साय अब बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं राजीव भवन से लाइव, और सौरभ सिंह परिहार भी सुबह से हम तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। राजेश, कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है क्या, कब तक नंद कुमार साय यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी अब सिर्फ साय का ही इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंच चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंच चुके हैं, तमाम कांग्रेस के नेता मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही है, एक जंग जीतने की जो खुशी होती है वो देखी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नंद कुमार साय कुछ देर बाद ही राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में। और ये भी जानकारी मिल रही है कि महापौर एजाज जेबर उनके साथ में है, मगर ये केवल जानकारी मिल रही है, मगर इंतजार मिल रही है कि महापौर एजाज जेबर उनके साथ में है, मगर ये केवल जानकारी मिल रही है, मगर इंतजार जिस तरह से है, जिस तरह से हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है, आप देख रहे हैं, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रास्ता जो वहां जाता है, जो टर्निंग पॉइंट चौक है, शंकर नगर चौक है, वहां जाता है, इसी रूट से नंद कुमार साय यहाँ पर आने वाले हैं। हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है, बैंड बाजा सुबह से यहाँ पर कांग्रेस भवन में मुस्तैद है, बैंड बाजा बजाया जा रहा है, और कांग्रेस के सभी नेता
कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, जैसे एक जीत की बधाई होती वो दे रहे हैं। जहां राजीव भवन में एक तरह से हलचल मची हुई है, खुशी का माहौल नजर आ रहा है, वहीं एकात्म परिसर और कुशाभाऊ ठाकरे में सन्नाटा यहां परसा हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नंद कुमार साय जहां पे थे मेयर में से वो राजीव भवन के लिए निकल चुके हैं और महापौर एजाज ढेबर उनके साथ है, ऐसी जानकारी यहां पर मिल रही है। और हमने बहुत सारे नेताओं से भी संबंध में बातचीत करने की कोशिश की कि शायद नंद कुमार साय उनके संपर्क में थे कि नहीं थे, मगर उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि रात नंद कुमार साय ने कहां पर गुजारी। और भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल, तमाम जो नेता हैं आदिवासी नेता, वो सभी नंद कुमार साय से कल रात से जब से उनका इस्तीफा पहुंचा है पार्टी के पास, उससे लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर संपर्क नहीं हो पा रहा है उनका। दिल्ली इस बारे में जानकारी दे दी गई, हाईकमान भाजपा हाईकमान को भी दे दी गई है, उन्होंने भी उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, मगर इस्तीफा देने के बाद से नंद कुमार साय से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेताओं की बात नहीं हुई है। और सवाल राजेश, मुझे तो लगता है कि इस्तीफा देने के बाद नहीं, उससे पहले भी शायद नंद कुमार साय से भाजपा नेताओं की बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए शायद इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है और किसी भी बीजेपी नेता को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब वो इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद नाराजगी दूर करने की बात कही जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, आप जिस तरफ खड़े हैं राजीव भवन के, वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? और एक सवाल ये भी कि जो इस्तीफा उन्होंने दिया उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे बारे में झूठ कहा जा रहा है, साजिश रची जा रही है और इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है, तो क्या समझा जाए कौन ये सहयोगी है जो साजिश रच रहे थे, उनकी छवि खराब करने की आखिर कोशिश कौन कर रहा था? बिल्कुल, देखिए कुछ देर में ही अभी जानकारी मिल गई है, ये पुख्ता जानकारी है कि नंद कुमार साय को जो है नया रायपुर स्थित एक जो निजी होटल है वहां पर रुकवाया गया था और वहां से रवाना हो गए हैं, और लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी जो समय है वो उस समय में वो पहुंच जाएंगे। और उससे पहले कि जैसे आपका सवाल था कि वो कल अपने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखे थे कि किस तरीके से उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता वाले लोग हैं उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, ये सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं, तो समझा जा सकता है कि 15 साल भाजपा की सरकार में कौन मुखिया रहा है और कौन कौन संगठन में किसकी चलती थी, सत्ता में किसकी चलती थी, उसको उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। और राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सभी मंत्री, विधायक और तमाम जो नेता है वो आ चुके हैं और पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसे हमने दिखाया कि ढोल ताशा भी वहां पे बजाया जा रहा है, मिठाई मंगाई गई है, लगभग जो है 100 से ज्यादा माला जो है वो मंगाए गए हैं, कई किलो के फूल भी जो है मंगाए गए हैं ताकि बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से स्वागत उसका किया जा सके। और सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे हमने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से पूछा कि उनको उनका सम्मान बरकरार रहे, क्योंकि ये कहा जा रहा है और जैसे उनके पत्र से यही लगता है कि उनको भाजपा में सम्मान नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में कांग्रेस में सम्मान मिलते रहे इसके लिए उनके क्या प्रयास रहे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सभी का सम्मान मिलता है। और फिर तो वो नंद कुमार साय तो आदिवासी नेता है, दिग्गज नेता है और उनका सम्मान रहेगा। मैंने जिम्मेदारी को लेकर भी पूछा कि क्या जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि आप आदिवासी क्षेत्रों में उनको विशेष तौर पर जो है ज्यादा फोकस करेंगे कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या जिम्मेदारी मिल सकती, तो उस पर कहा कि जिम्मेदारी जो मिल रहा है वो बाद में तय होगा, लेकिन अभी यही है कि उनका कांग्रेस पार्टी में प्रवेश है, ये मोहन मरकाम का कहना था। और कांग्रेस ने भी जो ऑफिशियल ये जानकारी दे दी अपने ट्वीट के माध्यम से कि उनका हो रहा कांग्रेस प्रवेश हो रहा है। और हालांकि हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत करने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बातचीत नहीं किए, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर देखने को मिल रहा था। और बार बार यही जो समय केवल यही है कि नंद कुमार साय कब राजीव भवन पहुंचे, उसके बाद जो है उनका कांग्रेस प्रवेश कराया जा सके। सौरभ, एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि हमने वो सुना एयरपोर्ट में जब आपने इंटरव्यू लिया था सत्यनारायण शर्मा का, तो उन्होंने कहा कि हाँ बीजेपी के कई दूसरे नेता भी उनके संपर्क में है, और अमूमन देखा भी जाता है कि जब मोतियों की एक माला टूटती है तो धीरे धीरे सभी मोती भी बिखरने लगते हैं, तो क्या वो जो मुस्कान थी, क्या और भी कुछ समर्थक जो उनके साथ जुटे हुए थे नंद कुमार साय के साथ, या कोई दूसरे नेता बीजेपी के दिग्गज, वो भी आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसा ही बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, नंद कुमार साय एक बड़े नेता है और छत्तीसगढ़ में लगभग कहा जाए तो सभी जगहों पर उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक हैं। और अगर जी सौरभ,
जी तो वही कह रहा था आकांक्षा मैं कि उनके समर्थक है और निश्चित रूप से अगर कुछ देर में वो कांग्रेस प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा नुकसान होगा। एक धड़ा जो है जो उनके समर्थक है वो भी आने वाले दिनों में कांग्रेस प्रवेश कर सकते हैं और उनकी कोशिश भी होगी कि कैसे अब भाजपा को नुकसान पहुंचाया जाए, भाजपा के जो लोग हैं उनको कांग्रेस में शामिल कराया जाए, ये बड़ी कोशिश होगी। और जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी चाहेंगे कि आदिवासी नेता होने के नाते नंद कुमार साय के माध्यम से जो आदिवासी नेता हैं बीजेपी की उनको भी साधा जाए ताकि जो है कांग्रेस जो है आदिवासी सीटों पर उनका कहना है, उनका दावा है कि हमने सबसे ज़्यादा काम किया है और ये बताने का जो प्रयास हो वो सफल हो जाए कांग्रेस के नेता। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि आरक्षण का मुद्दा, आपको मालूम है कि 76% आरक्षण विधेयक का मुद्दा उठा है जो अभी लटका हुआ है, उस पर भी जो है कहीं ना कहीं आदिवासी को घेरने की तैयारी में जो बार बार बीजेपी कहती है कि कांग्रेस इसको नहीं कर रही, कांग्रेस कहती है बीजेपी इसको नहीं कर रही है, तो कुल मिलाकर संशय की स्थिति रहती है। ऐसे में अगर आदिवासी भाजपा नेता नंद कुमार साय जब लोगों के बीच जाएंगे, आदिवासियों के बीच जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसके केंद्र सरकार रोकने का प्रयास करती है, कैसे इसको छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता रोकने के प्रयास करते हैं, क्योंकि वो बड़े नेता है तो बिल्कुल जरूर कहीं ना कहीं जरूर हुआ ही है बीजेपी को। राजेश से इसे समझ लेते हैं। राजेश, आप बीजेपी को बड़े अच्छे से एनालिसिस करते हैं क्योंकि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, उनसे आपकी बातचीत होती है, अच्छे खासा आप वहां पर अपना पकड़ रखते हैं। आपको क्या लगता है कितना बड़ा ये डैमेज बीजेपी के लिए रहेगा? हालांकि हम देखते हैं जब कोई नेता या कोई मंत्री दल बदलते हैं तो बड़ा आसान रहता है उस पार्टी के लिए कहना कि हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन इफेक्ट जरूर होता है। जी बिल्कुल, कल शाम से जब इस्तीफा आया नंद कुमार साय का, अरुण साव को उन्होंने इस्तीफा भेजा, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई थी, रमन सिंह से, अरुण साव से, संतोष पांडे से, नारायण चंदेल से, ब्रिजमोहन अग्रवाल से, सभी ने एक बात बोली कि कुछ गलतफहमी है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ संवादहीनता की बात है, मगर नंद कुमार साय को मना लिया जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस लेटर आने के बाद, इस्तीफा आने के बाद लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को नंद कुमार साय के पार्टी छोड़ने से और कांग्रेस प्रवेश करने से नुकसान तो होगा। और यही वजह है कि दिल्ली हाईकमान से लेकर प्रदेश हाईकमान तमाम लोग जो हैं, जो नंद कुमार साय के टच में हैं, उन सब कोई इस बात की कोशिश में थे कि उनको किसी तरह से मना लिया जाए, उनकी नाराजगी को दूर कर लिया जाए एक तरह से। जिस राजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, सीधी तस्वीरें हम दिखा दें इस वक्त। सौरभ सिंह परिहार हमें ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए काफिला पहुंच गया है और ये देखिए यही वो काफिला है, यही वो गाड़ी है जिसमें नंद कुमार साय पहुंचे और देखिए पहुंच गए हैं राजीव भवन के पास ही पहुंच गए नंद कुमार साय। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और देखिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हर बार की तरह इस बार भी कोशिश कर रहे हैं कि नंद कुमार साय से वो बात कर पाए कि देखिए उनका काफिला आगे बढ़ रहा है और अब से थोड़ी देर में ये राजीव भवन पहुंच जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, काफिला पहुंच गया है नंद कुमार साय का, बीजेपी का दामन छोड़ के आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं नंद कुमार साय और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में राजीव भवन में अब वो कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे। सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी पहुंच चुके हैं और देखिए राजीव भवन में काफिला पहुंच चुका है नंद कुमार साय का और तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ढोल और ताशों के साथ यहाँ पर स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, बड़े बड़े बैंड यहाँ पर लाए गए हैं, ढोल और ताशों की विशेष यहाँ पर प्रबंध किया गया है और जाहिर सी बात है आज का दिन बेहद बड़ा है नंद कुमार साय क्योंकि अब बीजेपी का साथ छोड़कर के कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की मौजूदगी में। और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से सूट की माला पहनाई जाती है, जो भी कांग्रेस का साथ थामता है, कांग्रेस की सदस्यता लेता है, तो देखिए वही परंपरा यहाँ पर निभाई जा रही है और कितने हलचल यहाँ पर तेज है आप देखिए। अब पूरे पुलिस फोर्स के साथ, पूरे कमांडोज के साथ यहाँ पर नंद कुमार साय पहुंचे और किसी को ये कल तक नहीं पता था, अभी थोड़ी देर पहले तक भी नहीं पता था कि आखिर नंद कुमार साय है कहाँ। और हमारी आज जो रिपोर्टर है सौरभ सिंह परिहार, उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि नया रायपुर के एक निजी होटल में ही मौजूद थे नंद कुमार साय और अब वो राजीव भवन में पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर, सबसे बड़ी खबर कि नंद कुमार साय राजीव भवन पहुंच चुके हैं, हालांकि मीडिया से उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने पूरी कोशिश की उनसे बात करने की लेकिन उनका काफिला पहुंच चुका और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नंद कुमार साय पहुंच चुके हैं, अब तक आपको ये बीजेपी के बड़े नेता के रूप में नजर आ रहे थे लेकिन अब ये कांग्रेस का फेस बन जाएंगे, कांग्रेस के
बड़े आदिवासी चेहरा कहलाएंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हलचल बेहद तेज राजीव भवन में, और ये हलचल, ये तैयारियां बनती भी है क्योंकि आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा है, बेहद खास है। तो चार दशक से ज्यादा पुराना ये जो नाता था बीजेपी से आज टूटने जा रहा है, हालांकि कल ही ये टूट गया था क्योंकि कल ही उन्होंने इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन आज इनका नया नाता, नया रिश्ता कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा। और देखिए कांग्रेस जिस सूत के साथ, जिस अंदाज के साथ किसी का भी स्वागत करके अपने पार्टी में, उसी अंदाज में आज नंद कुमार साय का स्वागत हुआ है। देखिए वही सूत पहनाया गया जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार दे रहे थे। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो राजीव भवन के ठीक बाहर इंतजार कर रहे थे नंद कुमार साय का, और हमारे सहयोगी ने ये जानकारी दी थी कि 10 से 15 मिनट में वो राजीव भवन में पहुंच जाएंगे। और देखिए पहुंच गए हैं, और एक्सक्लूसिव सबसे पहली तस्वीरें आप आईबीसी 24 पर देख रहे हैं। बीजेपी को बड़ा झटका, जाहिर सी बात है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो विधायक हैं, इन तस्वीरों को देख करके वो जरूर खुश नहीं हो रहे होंगे उनके लिए, क्योंकि आज की खबर, आज का ये दिन किसी झटके से कम नहीं है, लेकिन आज का ये दिन कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा है। तो राजीव भवन से तस्वीरें देख रहे हैं आप, रायपुर के राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय से तस्वीरें। नंद कुमार साय यहां पर पहुंच चुके हैं, और ये तस्वीर देखिए कितनी गहमा गहमी, यहाँ पर आदिवासी नेता, एक बड़ा चेहरा नंद कुमार साय इस वक्त राजीव भवन पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी यहाँ राजीव भवन में मौजूद हैं। तो इस वक्त की लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आईबीसी 24 पर आप देख रहे हैं। तो नंद कुमार साय राजीव भवन पहुंच चुके हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर लाइव है, तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं नंद कुमार साय इस वक्त राजीव भवन में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं ढोल ताशो नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है, यहाँ सभी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री मोहम्मद अकबर, सभी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और साथ में नंद कुमार साय बीच में बैठे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से सबका बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम इसे कह सकते हैं, नंद कुमार साय ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और कई बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद अकबर भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। राजीव भवन की तस्वीर देख रहे हैं आप, और जब यहाँ पर नंद कुमार साय पहुंचे तो सूत की माला पहनाकर कांग्रेस ने उनका स्वागत किया है, कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। तो रायपुर के राजीव भवन से तस्वीर देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें जहां पर नंद कुमार साहब पहुंच चुके हैं, और अब थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद हैं, कई मंत्री यहां मौजूद हैं, बड़े नेता मौजूद हैं। तो इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं राजीव भवन से, और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जब यहां पर नंद कुमार साहब जब राजीव भवन पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, उन्हें सूत की माला पहनाई गई, और अब कुछ देर बाद में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर सभी मीडिया मौजूद है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको आईबीसी 24 पर दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ नंद कुमार साय का जोरदार स्वागत किया गया, और इस वक्त नंद कुमार साय राजीव भवन में मौजूद है। उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार नंद कुमार साय कहां गए, और लगातार लोग कोशिश कर रहे थे उनसे संपर्क करने की, लेकिन हमारे सहयोगी सौरभ परियार ने बताया कि वो नया रायपुर के एक निजी होटल में मौजूद हैं, और अब वो राजीव भवन पहुंच चुके हैं जहां पर कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है। तो नंद कुमार साय इस वक्त कांग्रेस भवन में पहुंच चुके हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा कई मंत्री और बड़े नेता, सभी बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं।
कुछ देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आगे की रणनीति पर कांग्रेस अपनी बात रखेगी और किस तरीके से और किन वजहों से नंद कुमार साय ने कांग्रेस में प्रवेश किया, इन तमाम वजहों को भी मीडिया को बताया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जब नंद कुमार साय राजीव भवन पहुंचे तो उनका जोरदार ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे फोड़कर स्वागत किया गया और इस वक्त वो राजीव भवन में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि अब से कुछ देर बाद मीडिया से बातें शुरू हो जाएंगी और जब बताया जाएगा कि नंद कुमार साय के आने से कितनी पार्टी में मजबूती आएगी, आदिवासी क्षेत्र में कितनी पकड़ कांग्रेस की मजबूत होगी। और मोहन मरकाम भी यहां पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मंत्री यहां नजर आ रहे हैं, मोहम्मद अकबर तमाम बड़े नेता और प्रवक्ता इस वक्त राजीव भवन में मौजूद हैं, जिनके बीच नंद कुमार साय बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आईबीसी 24 पर, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले देख रहे हैं। रायपुर के राजीव भवन में इस वक्त नंद कुमार साय पहुंच चुके हैं, कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त वो बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होने जा रही है। और जाहिर सी बात है चूंकि चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है, एक बड़ी आदिवासी क्षेत्र में बड़ी मजबूती के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि नंद कुमार साय एक बड़ा आदिवासी चेहरा है और पिछले कुछ दिनों से उपेक्षा का आरोप लगाते रहे हैं पार्टी बीजेपी अपनी पुरानी पार्टी पर, और उसके बाद अब ये एक नया बड़ा घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं कि राजीव भवन में इस वक्त नंद कुमार साहब पहुंच गए हैं, जैसे कि कांग्रेस में उन्होंने प्रवेश किया और उसके बाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखेंगे कि किन वजहों से उन्होंने आज यहां कांग्रेस में प्रवेश किया है, यहां पर मौजूद हैं। और साथ ही ये भी खुलासा हो जाएगा आज के कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या होगी, आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किस तरीके से वहां काम करेगी, क्योंकि एक नया रास्ता, एक नया चेहरा अब कांग्रेस के पास आ चुका है नंद कुमार साय का। तो आपको बता दें बीजेपी के बड़े नेता और जो के आदिवासी का एक बड़ा चेहरा जिसे कहा जाता है रहा है नंद कुमार साय, और अब उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, राजीव भवन की कांग्रेस मुख्यालय की लाइव तस्वीरें आप देखिए, आपको एक तरफ से भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप मंत्री मोहम्मद अकबर को देख रहे हैं और उनके बीच पर बैठे हुए हैं कि नंद कुमार साय, जो कि कल तक इस तरह बीजेपी नेताओं के साथ इस अंदाज में नजर आते थे, लेकिन देखिए यही राजनीति है, कल क्या हो जाए आज क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। और आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं नंद कुमार साय, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता, बड़े आदिवासी चेहरे, लेकिन आज अब ये कांग्रेस के होने जा रहे हैं, अब ये कांग्रेस के बड़े आदिवासी चेहरा माने जाएंगे। और देखिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार सुबह से ही इस खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सौरभ, अभी इस वक्त क्या चल रहा है राजीव भवन में, क्या यहाँ पर एक बार फिर से औपचारिक उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की पार्टी की सदस्यता जो है नंद कुमार साय ले लिए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ये सदस्यता दिलाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नंद कुमार साय को मिठाई भी आज खिलाई है। जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ है और जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि मिठाई खिला करके अभिवादन किया गया, उनका स्वागत किया गया और अब नंद कुमार साय कांग्रेस के हो गए हैं। एक बेहद बड़ा कदम नंद कुमार साय का, बीजेपी के लिए झटका और कांग्रेस के लिए आज खुशियों भरा दिन। और देखिए सीएम भूपेश बघेल के चेहरे, उनकी भावभंगिमाएं कहीं ना कहीं यही कह रही है कि चुनावी साल में कांग्रेस ने एक ये मजबूती भरा कदम उठाया है और नंद कुमार साय के तौर पर अब और आगे मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी राहुल भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है। ओवर टू यू राहुल। चलिए, लगातार हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और आज का ये दिन ऐतिहासिक रहेगा और जब 2023 को याद किया जाएगा विधानसभा चुनाव के लिहाज से, तो हमेशा ये तस्वीर भी इतिहास के पन्नों पर
दर्ज रहेगी, क्योंकि ये तस्वीर है जब नंद कुमार साय जो कि 4 दशक तक बीजेपी के साथ रिश्ता निभा चुके हैं और आज ये रिश्ता अब नया रिश्ता कांग्रेस के साथ उनका जुड़ गया है। और एक बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस के सामने ये भी होगी कि किस पद से वो नवाजेंगे नंद कुमार साय को, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती आई है बीजेपी के ऊपर कि वो आदिवासी विरोधी है, सिर्फ आदिवासियों की बात करती है बीजेपी लेकिन धरातल पर जमीनी स्तर पर कुछ करती नहीं है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नंद कुमार साय अब कांग्रेस के हो गए हैं, नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस के हो गए हैं बीजेपी के आदिवासी नेता, नंद कुमार साय ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कल ही जब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था बीजेपी की सदस्यता से, तभी यह माना जा रहा था कि अब शायद वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और देखिए तस्वीर सामने आ गई है, सीएम भूपेश बघेल ने नंद कुमार को सदस्यता दिला दी है और सीएम भूपेश बघेल के साथ यहां मोहन मरकाम भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, सबसे बड़ी हलचल छत्तीसगढ़ की सियासी हलचल, नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, आदिवासी नेता नंद कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल, क्या आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, जरा बताइए दर्शकों को किस तरह की हलचल, किस तरह की बातचीत वहां पर हो रही है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा के नेता जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस के, इसमें जो उन्होंने अभी सदस्यता ली है कांग्रेस की, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिठाई भी खिलाई है और माला भी पहनाया है और प्राथमिक सदस्यता भी ले ली है नंद कुमार साय ने, और अभी जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है एक दूसरे को जो है मिठाई खिलाए, फिर माला भी पहनाए और गुलदस्ता भी दिए। और निश्चित रूप से एक बड़ी खबर ये है कि जो पहले भी कल से हमने यह जानकारी दी थी कि नंद कुमार साय कांग्रेस प्रवेश कर सकते हैं और कांग्रेस प्रवेश कर लिए हैं, उसके बाद हम आज सवेरे जानकारी दिए थे कि नंद कुमार साय ने जो है कांग्रेस पार्टी में सदस्यता लेने के लिए अपना हस्ताक्षर नुमा आवेदन भी किया है और वही हुआ। उसके बाद ये भी जानकारी दी गई थी कि पल पल की जानकारी जो है हम अपने दर्शकों को दे रहे थे और हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो बड़े नेता है वो मौजूद है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नंद कुमार साय जो है काफी प्रसन्नचित भी दिख रहे थे, दोनों जो है मुस्कुरा रहे थे और कांग्रेस के नेताओं ने भी जो है नंद कुमार साय जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस में जो है प्रवेश हो चुका है, प्राथमिक सदस्यता का जो पर्ची है वो भी ले लिए हैं। तो अब कुछ देर में जो है नंद कुमार साय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और पूरी जानकारी देंगे कि आखिर क्या वजह थी भाजपा छोड़ने की और कांग्रेस ज्वाइन करने की, आने वाले दिनों पर उनका क्या मिशन है वो भी बताएंगे। सौरभ एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि सरगुजा और आदिवासी क्षेत्र, चाहे हम बस्तर की बात करें सरगुजा की बात करें, यहाँ पर पहले से ही पार्टी की स्थिति कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत रही है, लेकिन नंद कुमार साय के आने के बाद और कितना फायदा पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि उनके आने से फायदा होगा और जरूर फायदा जैसी स्थिति नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भाजपा को जबरदस्त नुकसान है चूंकि आदिवासी अभी देखिए सरगुजा संभाग से आते हैं नंद कुमार साय, और सरगुजा में एक भी सीट जो है बीजेपी के पास अभी नहीं है, और अगर नंद कुमार साय जो है चले गए अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस प्रवेश कर लिए हैं, तो ये स्पष्ट है कि नुकसान होगा वहां पर और बीजेपी को। उसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र और अपन बड़े मध्य क्षेत्र में भी जो कुछ जगहों पर जहां पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है वहां पर भी ये जाएंगे, तो उसके बाद अगर बस्तर चले जाए तो बस्तर में भी 12 की 12 सीटें अभी कांग्रेस के पास है, तो वो भी जो है देखने को मिलेगा कि कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन
अब भाजपा भी जो है अब कोई रणनीति में लगी हुई होगी कि कैसे इस डैमेज कंट्रोल किया जाए, जो नुकसान होने वाला है उसको कैसे रोका जा सके, इसके लिए एक रणनीति एक मंथन जरूर होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कोई भी मौका नंद कुमार साय ने नहीं दिया, वो जो बड़े लीडर थे उनके, जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी के, उनसे बातचीत करने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की है। हालांकि हो सकता है कि बहुत पहले बात करने की कोशिश उन्होंने की रही होगी, लेकिन हो सकता है कि नजरअंदाज किया गया होगा और इसलिए जो है कल से उन्होंने पार्टी को अपना जो इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद जो है आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। और आप सीधे तौर टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको टोकन दिया है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मनोहर काम और भूपेश बघेल ने जो है उनको गुलदस्ता दिया है और माला भी पहनाया और इसी तरीके से उनका वेलकम भी जो है ढोल ताशे के साथ किया गया था। एक सवाल ये भी कि अभी हमने देखा था कि प्रदेश प्रभारी बीजेपी के ओमाथुर बस्तर दौरे पर थे और बस्तर में बीजेपी की स्थिति कितनी कमजोर है ये हम सभी जानते हैं और बस्तर का ही बड़ा आदिवासी चेहरा नंद कुमार साय, ऐसे में अब और मुश्किल भरी डगर रहेगी बीजेपी की बस्तर के लिए भी और आदिवासी वर्ग को साधने के लिए भी। चलिए हमारे सहयोगी सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नंद कुमार साय इस वक्त कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में मौजूद है, कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा कई मंत्री और बड़े नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये प्रक्रिया चल रही है, एक प्रक्रिया कि कांग्रेस में जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो तमाम तरह की फॉर्मेलिटी, वहाँ पर उनसे एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, जो कि एक प्रक्रिया है जो हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़ा नेता जब पार्टी में प्रवेश करता है तो कांग्रेस की एक प्रक्रिया, पार्टी प्रवेश की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, जो कि खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम वहाँ पर निभा रहे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहाँ पर बैठे हुए। जाहिर सी बात है, जैसा हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि पार्टी बीजेपी जो है वो लगातार इस प्रयास में थे कि आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत करे। ऐसे में अगर नंद कुमार साय ने कांग्रेस में प्रवेश किया है, कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है बीजेपी के लिहाज से और कांग्रेस के लिए मजबूती हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत है। खासतौर पर अगर सरगुजा और बस्तर की बात करें तो यहाँ पर आकांक्षा पहले से ही कांग्रेस बहुत मजबूत रही है, लेकिन इस बार नंद कुमार के साय के आने के बाद क्या परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है, ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। हाँ बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा कि आने वाले वक्त में तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी कि कितना बदलाव और कितना असर इस तस्वीर का देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह से मिठाई खिला करके, पुष्प गुच्छ दे करके यहाँ पर स्वागत किया गया, सदस्यता दिलाई गई है कांग्रेस की। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका तो है ही। और अब राहुल बड़ी बात ये भी है कि डैमेज कंट्रोल किस तरह से बीजेपी करेगी, क्योंकि ऐसे ही हर बार ये आरोप लगता आया है बीजेपी के ऊपर कांग्रेस की तरफ से कि आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया है पूर्व की बीजेपी सरकार ने, रमन सरकार ने। और अब ऐसे में देखिए एक बड़ा आदिवासी चेहरा जो कि फेस है आदिवासी वर्ग का बीजेपी के लिए, वो बीजेपी का साथ छोड़ता है, कई गंभीर आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर और उसके बाद वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। जाहिर सी बात है एक बड़ा नुकसान है और ये जो आरोप है कहीं ना कहीं सही साबित होते नजर आते हैं, क्योंकि पहले भी बीजेपी के ऊपर इस तरीके के आरोप लग चुके हैं। और जो आदिवासी का बड़ा नेता जो ये जब ये कहता है कि पार्टी के भीतर उसकी उपेक्षा हो रही है, आदिवासी नेताओं को यहाँ पर बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव के पहले। और आकांक्षा ये तस्वीरों को देखकर मुझे याद आता है साल 2000 में जब बीजेपी की सरकार बन रही थी तो चार नामों पर कयास लगाए गए थे। पहला नाम दिलीप सिंह जुदे, दूसरे नाम नंद कुमार साय, तीसरे नाम रमेश बैस और चौथे नंबर डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली कि रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और नंद कुमार साय चूंकि चुनाव हार गए इस वजह से उन्हें ये मौका नहीं मिला, लेकिन पार्टी ने उन्हें हमेशा आगे रखा, आदिवासी नेता के तौर पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रोजेक्ट किया। लेकिन अगर नंद कुमार साय ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हुई है, आदिवासी नेताओं की उपेक्षा होती है, तो जरूर इसके पीछे भी कोई बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और बड़ी बात है और इसीलिए बड़े आरोप भी लगाए हैं राहुल उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने यही सब बातें भी कुछ कही कि साजिश रची जा रही थी, उनकी छवि को धूमिल करने का भी आरोप
लगाया। और ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस होगा कि आखिर क्या साजिश रची जा रही थी, कौन था जो उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे। राहुल, ये कुछ जरूर सवाल होंगे और अब एक फैक्ट चेक भी करना होगा बीजेपी को कि आखिर कहां पर चूक बीजेपी से हुई है कि इतना बड़ा जो नेता है वो कब कांग्रेस के करीब चला जाता है। चलिए सीधे रुक कर लेते राजीव भवन का। नंद कुमार साय और सीएम भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं। इस राजीव भवन में सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों, नंद कुमार साय जी एक जाना पहचाना चेहरा मध्य प्रदेश के समय में, अविभाजित मध्य प्रदेश में वो नेता प्रतिपक्ष रहे। विधानसभा में 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में, लोकसभा में 3 बार और राज्यसभा में 2 बार, कुल मिलाकर 5 बार वो सांसद रहे और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी नया बना था और उस समय मध्य प्रदेश में जो बड़े चेहरे जिसका नाम हुआ करता था उसमें एक नाम नंद कुमार साय का भी था, आदिवासियों में बड़ा नाम उनका रहा। उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण, वे उनके सादगी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो नमक तक नहीं खाते। अनार तो खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते। किसी का अब जो नमक ही नहीं खाते तो किसी की नमक लगने का सवाल ही नहीं। तो उन्होंने बहुत सादगीपूर्ण जीवन और साथ ही पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, उन्होंने हमेशा वंचितों के, गरीबों के हक की लड़ाई वो लड़ते रहे। आज जब हमारी सरकार बनी 4 साल, 4.5 साल पहले, और आदिवासियों के पक्ष में अनेक निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, उन निर्णयों से वो दबी जुबान प्रशंसा नहीं करते। सार्वजनिक मंचों में भी मीडिया के माध्यम से कांग्रेस सरकार के किए गए कार्यों के वो भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे, क्योंकि वो सच्चे आदिवासी नेता है। असर जो भी आदिवासी हित में काम करे उसके वो प्रशंसा करते थे। बहुत ही निश्चल मन के व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, और उन्होंने कल जो इंटरव्यू में कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे व्यथित होकर जो सेवाएं उस पार्टी को दी और उसके बाद उसे जिस प्रकार से तिरस्कार सहना पड़ा, उससे व्यथित होकर उन्होंने पार्टी त्याग किया। और कांग्रेस की जो नीति है, सिद्धांत है, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के किए गए उल्लेखनीय कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता आज भाई मोहन मरकाम के द्वारा उन्होंने ग्रहण की। मैं कांग्रेस परिवार में आदरणीय हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज तो आदरणीय नंद कुमार साय को सुनने का दिन, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आप सब के तालियों के बीच आदरणीय नंद कुमार साय जी का आमंत्रण करता हूँ। आए और हमको संबोधित करें, जब तक बहस नहीं आ तब तक ताली बजती रहनी चाहिए। भारत माता की छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। अरे बात मत करो पीछे कोई। परमादरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी,
कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सदस्यगण, देवियों, दोस्तों और पत्रकार मित्रों, ये निर्णय जीवन का बहुत कठिन और मैं समझता हूं मेरे जीवन का अद्वितीय निर्णय है। मैं प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी में रहा। जब जनसंघ की स्थापना हुई थी उनको हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उस समय से ही परिवार के लोग इसी दल में रहे थे। हम लोग श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अनेक ऐसे हमारे पुराने नेता, प्रमोद महाजन जी हमारे मित्र हुआ करते थे और एक बड़ा टीम जो वरिष्ठ लोग थे उनके साथ मैंने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉलो करता था। वो राजनेता केवल नहीं थे, बड़े कवि भी थे। भारत माता के लिए वो कहा करते थे, भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जीता जागता राष्ट्रपुरुष। और वो भारत माता के लिए जो वर्णन करते थे, मैं संस्कृत और हिंदी साहित्य का भी विद्यार्थी, वो कहते थे कंकर शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत राष्ट्र को मैं अटल जी को फॉलो करता था, राजमाता सिंधिया जी को फॉलो करता था, सुंदर सिंह भंडारी जी को फॉलो करता था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को फॉलो करता था, सुषमा स्वराज जी को समझता था। लेकिन आज मुझे जो दिखता है वो पार्टी जो अटल जी की थी, भारतीय जनता पार्टी जो आडवाणी जी की थी, बाकी बड़े बड़े नेताओं की थी, वो पार्टी उस रूप में नहीं थी। केंद्र में सरकार जरूर है लेकिन ये परिस्थितियां मुझे बदली हुई दिख रही थी। छत्तीसगढ़ हमारा, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े बड़े जो तीन प्रदेश थे उसको उन्होंने दो दो प्रदेश करके उसकी प्रगति का स्वरूप बनाया कि छोटा अगर रहेगा तो प्रगति ज्यादा होगी, काम ज्यादा होगा। मध्य प्रदेश को दो भागों में बांट करके छत्तीसगढ़ बना दिया, उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांट करके उत्तराखंड बनाया और बिहार को झारखंड बनाया। इससे काम भी दिखाई पड़ता है। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे गांव थे वो कस्बे हो, और अभी कांग्रेस पार्टी की भूपेश जी की जो सरकार है उनके क्रियाकलापों भी मैंने थोड़ा स्टडी और वाच करने की कोशिश की है। जो कस्बे थे वो शहर, और बहुत सारा काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी सनातन को समझने वाली, उसको फॉलो करने वाली पार्टी थी। मैं बोला वो तो सबका हक है, उसमें अलग अलग तरीके से सब काम है। प्रदेश की सरकार भूपेश जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसको भी मैंने देखा कि एक नारा उनका बड़ा अच्छा लगा, नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी एला मत छोड़ियो संगवारी। देखिए ये मूल आधार है हमारे यहाँ, कृषि हमारा मुख्य पेशा है सभी लोगों का, और उसके किनारे अगर नाला है, पानी बहने वाला है, उसको संरक्षित किया जाएगा तो खेती अच्छी होगी। गौ हमारी सबसे बड़ी विरासत है। पहले नारा लगाते हम तो थे, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। उसको एक स्वरूप उन्होंने दिया गुरुआ, और सब जगह गौओं की दुर्दशा है, उसको और ज्यादा ठीक करना है, क्योंकि गौ
में माना गया है हमारे भारतीय चिंतन में कि 33 कोटि देवता गाय के शरीर पर निवास करते हैं और इसलिए इस पर एक बड़ा भारी स्लोगन भूपेश जी ने प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया, नरवा गुरुआ घुरुआ, ये जो कचरा होता है ना उसको आप ठीक से एक जगह गड्ढे में डाल करके उसको सड़ाएंगे उससे सुंदर कोई खाद नहीं। ये जो रासायनिक खाद है इसको कायदे से बंद कर देना चाहिए। ये जितने प्रकार की बीमारी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों का मैंने समझिए कि हार्ट अटैक हो जाता है और दुनिया प्रकार की बीमारी हो रही है, उसके पीछे कोई और बड़ा कारण है तो ये रासायनिक खाद है। भूपेश बघेल जी ने जो घुरवा कचरा को खाद बनाने का एक स्लोगन दिया है, नारा दिया है, एक दिशा दिया है, इसको सबको फॉलो करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं इसी तरह से गौओं की सुरक्षा का भी संदेश इसमें छुपा हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ में हम समझते हैं कि सारा काम जो है जिस तरह से कौशल्या जी को ये भगवान राम का ननिहाल, कौशल्या माता को जिस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सनातन चिंतन को एक नया स्वरूप मिल रहा है। हमारे यहाँ भगवान राम का ही ननिहाल है, इसलिए आप सब लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मामा जो है वो भांजा का पांव छूते हैं। ये राम के सम्मान का विषय है और ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा भूपेश बघेल जी की सरकार राम वन गमन पथ का भी निर्माण शुरू कर दी और हम समझते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ है अनेक सनातन स्वरूप में भी आगे और दिखाई पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत अच्छे अच्छे कामों को उन्होंने अंजाम दिया है। गरीब जो जनजाति वर्ग है उसको कैसे उठाया जाए, ये बहुत बड़ा विषय है। 5 प्रिमिटिव ट्राइब हुआ, कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो और बैगा, ये अलग अलग हैं। उसमें बिरहोर तो जसपुर में ही थोड़ी सी संख्या में, ये समाज को कैसे खड़ा किया जाए, जनजाति वर्ग मान के सबसे नीचे, इसको राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ इनमें कैसे शिक्षा को आगे लाया जाए, इनको किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि ये समाज थोड़ा आगे आए। कुछ कुरीतियाँ हैं उसको अगर एक पढ़ लिख जाएंगे तो ठीक होंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बहुत सारी बातें को बता सकता हूँ लेकिन आज की तारीख में मैं यही मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो थी उसका जो स्वरूप था वो आज बचा नहीं है। मुझे अनुभव हो रहा था, मैं कुछ बातों को बताऊँ नहीं, मन में सोच रहा था, बहुत पुराने समय से अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रीमंत राजमाता जी, सुषमा स्वराज जी और सुंदर सिंह भंडारी जी, उनके साथ में काम किया। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में मैं एक सामान्य सदस्य हूँ, कहीं किसी दायित्व में मुझे नहीं रखा गया। मुझे दायित्व का भी आवश्यकता नहीं है लेकिन पार्टी काम कैसे करे, यहाँ के लोगों के लिए करे, उसमें शामिल तो किया जाना चाहिए। पार्टी का मुझे बहुत परेशानी नहीं है, वो सब भी करें, लेकिन दल में भी मुझे दिखता था कि जैसा जैसा काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, उसको करना बहुत जरूरी है। कोई दल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन सारे लोग मिलकर के आम लोगों का काम करने के लिए जो पार्टी का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए, वो भी दिखता नहीं है। तो अंततोगत्वा मुझे लगा कि जनहित के कार्यों को करने के लिए ही कोई समर्थ और समर्पित, ये दो विभूषणों से विभूषित दल में रहना ही ज़्यादा उचित होगा। और इसीलिए मैंने तय किया कि इस समय भूपेश जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और
किसान, यहाँ के गरीब, पिछड़े हुए और तमाम प्रकार के जो लोग हैं उनके उत्थान में काम होगा। और ये जो पांच प्रिमिटिव ट्राइब हैं, हमारा जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, हम सब लोगों की सरकार सोच भी रही है उनके द्वारा उनको कैसे खड़ा किया जाए, शिक्षित कैसे किया जाए, बहुत सारी कुरीतियों से कैसे बचाया जाए। और एक छत्तीसगढ़ इन सब कामों को करने के कारण एक आदर्श प्रदेश भी बने, इसकी हम सब लोगों को मिलकर के काम करनी है। सरकार में बैठे हुए लोग तो करेंगे, इसमें सभी लोग सहभागी हों, ऐसी भी योजना हम सब लोगों को सोच करके करनी चाहिए। अंत में मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी स्थिति जब मेरे मन में आया तो उसका सम्मान करते हुए दल में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया। और आप सब लोग भी इसमें आए, सम्मिलित हुए और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर ये पार्टी एक है, एक मंच है, फ्रंट है, लेकिन सब मिलके सब काम करेंगे तब छत्तीसगढ़ अच्छा होगा और भारत को एक नया स्वरूप मिलेगा। हम सभी लोग मिले हैं। और अंत में समय पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, पता नहीं ये तो सामान्य घटना थी, लेकिन छूमा छटकी सब हमारे पत्रकार मित्र बहुत आगे पीछे लग रहे थे। हम तो बहुत सामान्य लोग हैं, लेकिन हाँ एक बात एक घटना थी कि जो चेंज किया गया दल का, तो कोई बात नहीं, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका भी मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि आप लोग नहीं आते तो भी ये कार्यक्रम नहीं, आपके कारण ही सब इतने लोग जो आए हैं उसके कारण हुआ। मैं आप सबका आदर स्वागत और सम्मान करता हूँ और अंत में आपकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को जो इस रूप में यहाँ तक पहुँचाया गया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द में आप सबका अभिनंदन करता हूँ, फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ, फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे आपके अभिनंदन में और मकरंद मिलाया है मैंने स्वागत के कुमकुम चंदन। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ इस जगह में आकर के, इस दल में आकर के हम और बेहतर आम गरीब लोगों के लिए काम कर पाएंगे। भगवान ऐसी शक्ति दे, यही प्रार्थना है। नमस्कार, वंदे मातरम। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राजीव भवन में इस वक्त नंद कुमार साहब अपनी बात तक रहे थे। और जैसा कि आकांक्षा हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि एक अपोजिट पार्टी का एक बड़ा नेता जो पहले इसी पार्टी पर निशाना साधा करता था, कैसे वक्त बदलता है, कैसे वो पाला बदलता है और उसके बाद उसके सुर भी बदलते हैं, जाहिर सी बात यहाँ देखने को मिला है। नंद कुमार साहब ने उसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो एक तरीके से तंज था कि नमक नहीं खाते हैं नंद कुमार साहब, ये भी एक तरीके से तंज था कि पुरानी पार्टी उन्होंने छोड़ी है तो नमक कहा कदा नहीं करना, करना नहीं करने का अलग बात है। लेकिन पार्टी के भीतर अब ये बात भी सामने आएगी आकांक्षा कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़ा नेता, आदिवासी क्षेत्र का बड़ा नेता है, तो उसे जाहिर तौर पर एक बड़ा स्थान, नया स्थान देना पड़ेगा, आगे रखना पड़ेगा। ऐसे में उस क्षेत्र में जो आदिवासी नेता हैं वो क्या सोचेंगे, क्या उनके लिए उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे, तमाम बातें जो आप भविष्य के गर्त में। बिल्कुल, चुनौतियां तो रहेंगी कांग्रेस के सामने भी, लेकिन बीजेपी के लिए भी लगातार चुनौती पेश करते रहे थे नंद कुमार साहब। आपको याद होगा जब आरक्षण में कटौती हुई थी आदिवासी वर्ग की, तब भी इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी, धरना प्रदर्शन इन्होंने किया था और उस वक्त किसी भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता का इन्हें साथ नहीं मिला था। तब से ही माना जा रहा था कि ये नाराज चल रहे हैं और उसके बाद एक दो बार और इन्होंने कहा है कि एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है बीजेपी सरकार को, कहीं छिटकी हुई नजर आती है बीजेपी। और तब से ये कयास और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद नंद कुमार साय नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, और देखिए वही नाराजगी भारी पड़ी। और अब ये जो तस्वीर आ रही है, आज कांग्रेस में खुशियों का दिन और बीजेपी के लिए झटके वाला दिन है आज का। और इसके साथ ही नंद कुमार साय ने यह भी बड़ा आरोप लगाया कि अब बीजेपी अटल जी की पार्टी नहीं रही, लालकृष्ण आडवाणी जी की पार्टी नहीं रही, कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है, तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप वाली जो योजनाएं हैं भूपेश बघेल सरकार की, उन योजनाओं की तारीफ की है नंद कुमार साय ने।
बिल्कुल आकांक्षा, और ये बात आपने अहम बात कही है कि आरक्षण कटौती को लेकर आपने कहा, लेकिन इसके पहले और भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं आदिवासियों से जुड़े हुए, जो पार्टी लाइन से हटकर नंदकुमार साय ने प्रदर्शन किया या उनका पक्ष रखा, आदिवासियों का पक्ष रखा, आदिवासियों के लिए लड़ते रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर वो पहले से ही उनकी नाराजगी कई बार इस तरीके से सामने आई है, पार्टी के सामने आई है, लेकिन अब चूंकि ये नाराजगी शायद ज्यादा बढ़ चुकी थी और उपेक्षा का आरोप वो लगातार लगाते रहे और अब उन्होंने पाला बदला यानी कि कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम राहुल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहुल जो बीजेपी ने कहीं जो गलती की है ठीक से वो समझ नहीं पाई है। ये भी हो सकता है कि नंदकुमार साय ये समझ गए होंगे कि इस बार शायद उन्हें टिकट ना मिले या जो पहले उनका ओहदा था अब ना मिले, क्योंकि लगातार बदलाव का भी दौर हम बीजेपी में देख रहे हैं, तो शायद यही भापते हुए शायद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है। बिल्कुल, और एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होगी क्योंकि लगातार जो आदिवासी क्षेत्र है वहां लगातार काम कर रही थी बीजेपी, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा अब कैसे होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि बड़े नेता है नंदकुमार साय, अगर वो वहां से छोड़कर पार्टी छोड़कर अगर कांग्रेस में प्रवेश करते हैं अपोजिट पार्टी में जाते हैं और तो एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए। अब देखिए, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं राहुल, और जो तस्वीरें और जो ब्रेकिंग न्यूज आज IBC 24 के जरिए छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, और जब भी विधानसभा चुनाव 2023 की बात होगी राहुल, तो आज का दिन याद किया जाएगा, आज की ये तस्वीरें याद की जाएगी कि किस तरह से पाला बदलते हुए नंदकुमार साय ने बीजेपी को झटका दिया, कांग्रेस का हाथ थामा, और उसके बाद जरूर कहीं ना कहीं जो समीकरण है सियासी समीकरण, ना सिर्फ बस्तर सरगुजा बल्कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र के भी बदल जाएंगे राहुल। बिल्कुल, और छात्र राजनीति से शुरुआत करने के बाद 3 बार लोकसभा से, 2 बार राज्यसभा से, यानी 5 बार वो सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, जाहिर सी बात है एक बड़े नेता और एक बड़ी पकड़ अपने क्षेत्र में रखते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका जो फायदा कांग्रेस को मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा, और न केवल मुझे लग रहा है आकांक्षा विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी उनका बहुत साथ मिलेगा या उसका फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस हमने देखा कि लोकसभा सीटों पर जो परफॉर्मेंस पिछले 2 बार से करनी चाहिए तो ऐसा नहीं कर पा रही है, मोदी के चेहरे को लेकर हमेशा बीजेपी आगे रही है और इस वजह से आज बीजेपी के सांसद बहुत ज्यादा हैं छत्तीसगढ़ में। अब चूंकि अब नंदकुमार साय प्रवेश कर चुके हैं कांग्रेस में, तो देखना होगा कि विधानसभा चुनाव 2023 में, 2024 में लोकसभा चुनाव है, हो सकता है इसका प्रभाव इंपैक्ट आदिवासी सीटों पर देखने को मिलेगा, लोकसभा में भी फायदा हो सकता है। और देखिए, और ये तस्वीर है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि फायदा हो सकता है, देखिए ये तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है राहुल, सभी के चेहरे कितने खिलखिला रहे हैं, और जब सीएम भूपेश बघेल भी राजीव भवन पहुंचे थे तो एक अलग ही तेज, अलग ही खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, हालांकि 12 बजे उन्हें बोरेबासी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना था, लेकिन देखिए जितने भी कार्यक्रम थे वो थोड़े डिले किए गए हैं क्योंकि आज का ये जो दिन है, और देखिए हमने टैगलाइन भी दी है कि कांग्रेस खेमे में आनंद आनंद भी है, और अब नंदकुमार साय भी कांग्रेस के हो गए राहुल। बिल्कुल, और जैसा कि ये तस्वीरें बता रही हैं आकांक्षा कि जब छोटा मोटा कार्यकर्ता पार्टी में प्रवेश करता है तो उसे किस स्तर पर प्रवेश कराया जाता है, और जब बड़ा नेता पार्टी के भीतर आता है तो न केवल प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं सभी कितने सारे मंत्री विधायक और बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आज नंदकुमार साय के जो ये पार्टी प्रवेश के गवाह बन रहे हैं। और बार बार बीजेपी पर इस तरह के आरोप भी लगते आए हैं राहुल, जैसा कि आज नंदकुमार साय ने यहाँ पर अपने उद्बोधन में कहा कि अब अटल जी वाली पार्टी नहीं रह गई है बीजेपी, और कहीं आपको लगता है कि यही वो एक छटकाव है जो बीजेपी में देखने को मिलता है? कोविड का कार्यक्रम था, कोविड के कारण, कोरोना के कारण कई कार्यक्रम हम जा नहीं पाए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में अलग अलग सब्जेक्ट पर व्याख्यान के लिए पूरे हिंदुस्तान में मुझे बुलाया था, तो एक परिचय मैंने ये दिया, डॉक्टर नंद कुमार साय, और अभी नालंदा विश्वविद्यालय में मेरा एक कार्यक्रम हुआ और वहां पर सब्जेक्ट था ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति और पर्यावरण के समक्ष खड़ी चुनौतियों का वैद्यकीय और व्यावहारिक समाधान क्या है, इस विषय पर भी पूरे देश भर से लोग आए थे, कुछ विदेश से भी आए थे, उसमें चर्चा हुई, लेकिन अभी ये विषय को मैं यहीं छोड़ता हूं, और आप क्योंकि पत्रकारों से बात करें इसलिए कुछ प्रश्न होंगे,
तो उस संबंध में चर्चा होगी। जी आप बड़ा चेहरा है, आप आदमी समाज से बड़ा चेहरा है, लगातार बीजेपी के नेता जो है धर्मांतरण, मंत्रांतरण, आरक्षण, तमाम मुद्दे को उठा ले रहे हैं। आप आदिवासी बड़े चेहरे, ऐसे में समाज को क्या मदद देना चाहिए? आपने कांग्रेस के काम से खुश होकर कांग्रेस के मायने समझ देखिए, मैं चाहता हूँ जनजातीय समाज का, मैंने कुछ बातों को बताया, जो गरीब लोग, कुछ कमजोर लोग भी हैं, उनकी शिक्षा की कैसी व्यवस्था होगी, भूपेश जी दिशा में बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, और उनको शिक्षित करके ही उनके मैंने जो कमजोरी है, उनके पास शिक्षा नहीं है, आर्थिक कमजोरियां हैं, और भी कुछ विकृतियां हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। उनको पहला काम है उन गरीब लोगों को आगे बढ़ाना है, तो उनको शिक्षित करना पड़ेगा, शिक्षा से ओत प्रोत करना पड़ेगा। एक मिनट नहीं करूँगा, सबका जो बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है राज्य में, क्या इस संगठन को नीचे लाने का काम किया है? लगातार पार्टी बाटा हर घटना कहते रहे, क्या कोई सुनवाई नहीं? देखिए अभी मैं बीजेपी में नहीं, हाँ, और इसलिए है बीजेपी में जो लोग हैं, मैं उनको कहता हूँ कि वो पार्टी को मजबूत करें, उनका जिम्मेदारी है। अगर कमजोर है तो उसको मजबूत करें, सारे क्षेत्रों में फैलाएं वो पार्टी भी, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में दलों को सबको मजबूत रहना जरूरी है। अगर सत्तारूढ़ दल है तो विरोधी दल अगर मजबूत नहीं है तो सत्ता ठीक से काम नहीं कर पाती, ये लोकतंत्र का ये विधान है, इसलिए वो अच्छा काम करें ये हमारी सलाह होगा। आपने कहा भाजपा ने बहुत कुछ किया, उसके बाद चुनाव से हम पहले कांग्रेस में आने की वजह, कांग्रेस में अपनी जगह कहाँ देखते हैं? देखिए कांग्रेस सरकार में सत्ता में मुख्यमंत्री जी बच गए, वो बहुत सारे कामों को मैंने गिना है, तो काम अच्छा कर रहे हैं, हमारी रुचि होगी कि और जो कौन कौन काम कर सकते सब मिल करके, आप लोगों का भी सहयोग है बताएं, और सारे लोग मिलकर के छत्तीसगढ़ में गरीब लोग, कमजोर लोग, पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाले लोग, कोरवा, कमार, बिरोर, पंडू, बैगा, ये सबसे पिछड़ी हुई। और इस वक्त राजीव भवन में आपने सुना लाइव नंद कुमार साय, जो कि पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, आदिवासी के बड़े चेहरे थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के हो गए हैं राहुल। और इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी जुड़ रहे हैं, ये भी वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। चंद्रशेखर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज का दिन मुझे लगता है बीजेपी के लिए कुछ ठीक सा नहीं रहा, बीजेपी को बड़ा झटका आज जरूर आप भी मानते होंगे, क्योंकि वरिष्ठ नेता, आदिवासियों का बड़ा चेहरा नंद कुमार साय जी अब कांग्रेस के हो गए हैं, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, और क्या आपको भी लगता है कि वाकई बीजेपी के लिए क्षति है ये? देखिए वास्तव में हतप्रभ करने वाला एक इवेंट्स लग रहा है। हम तो अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि इतने परिपक्व नेता, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल प्राथमिकता दिया बल्कि उन्हें राष्ट्रीय जनजाति आयोग के वो अध्यक्ष भी अकेले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक प्रकार से डिस्क्रेशन से उनके द्वारा ही बनाए गए, और इसके पहले की घटना भी मालूम है, नेता प्रतिपक्ष के मामले में भी नंद कुमार साय जी का चयन विधायक दल को माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय संगठन के काम देख रहे थे, राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनके उपस्थिति में हुआ। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस लिए और क्या उनका कारण है, मैं तो अभी भी हतप्रभ हूं, ऐसा मेरा कहना है। चंद्रशेखर जी आप कह जरूर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरपूर सम्मान दिया, तमाम तरह की जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन फिर वो उपेक्षा के आरोप क्यों लगाते रहे? पहले भी हमने देखा है कि पार्टी लाइन से हटकर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं या आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी है, और इस बार तो आरक्षण के मुद्दे पर वो बिल्कुल नाराज नजर आए, और शायद यही वजह है पार्टी छोड़ने की। देखिए
देखिए वो वजह तो वही जानते होंगे, लेकिन हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इसीलिए तो उनकी बात और आवाज उठती रही और अनेक मौकों पर वो स्वयं आए थे। 15 मार्च को जब विधानसभा घेराव का एक बड़ा कार्यक्रम था तो माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय नंद कुमार साय जी प्रमुखता से उन्होंने ऑडियंस को अपने सामने रखकर कई बातों को उन्होंने कहा था। और आज की स्थिति में क्या बदलाव उन्होंने महसूस किया, क्या स्थिति हुई प्रदेश के साथ, उनका क्या समीकरण था, चूंकि मैं अधिकृत नहीं हूं, अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन एक परिपक्व नेता और जिन्होंने अनेक दायित्व को भारतीय जनता पार्टी का निर्वहन किया जी, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे दोनों बार, नेता प्रतिपक्ष रहे, अनेक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया, और उसके बाद भी ऐसी क्या बात हो गई कि वो इस कदम को उन्होंने अपनाया है। आज पूरे देश में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब एक वरिष्ठ नेता का जाना बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो हतप्रभ करने वाला है ही। जी चंद्रशेखर जी, लेकिन अब आगे आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी छत्तीसगढ़ के वो आदिवासी प्रमुख चेहरा है, हम सभी हमने देखा है कि किस तरह से बेहद बेबाकी से उन्होंने आदिवासी वर्ग की बात रखी और अच्छी पैठ है उनकी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, और लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती आई है कि आप आदिवासी विरोधी है, तो ये डैमेज कंट्रोल अब किस तरह से करेंगे आप चंद्रशेखर जी? देखिए पार्टी में फोरम है, मैं कोई बात तो अपनी फोरम में ही कह सकता हूं, लेकिन अभी तो मैं जैसे निवेदन किया, मैं कोई अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं हूं, पार्टी क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन पार्टी में मंथन चलेगा निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी उस दृष्टि से उसकी भरपाई के लिए क्या करेगी, लेकिन एक बात सही है, चाहे पूर्व का इतिहास देख लें, बात का देख लें जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सतत प्रवाह में चलने वाली है, लोगों को साथ लेकर चलने वाली है। बलराज मधोक जी से लीजिए, जो अटल जी से नाराज होकर निकल गए थे उस समय अध्यक्ष थे, उसके बाद भी आप देख लीजिए गुजरात में केशुभाव पटेल ने अलग से एक पार्टी बना ली, नीचे भी जाइए और भी कई उदाहरण है, लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दूंगा, प्रासंगिक भी नहीं कहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई नेता हो कहीं चले जाए तो उससे कोई बहुत उस प्रकार से। चंद्रशेखर जी माफी आपसे मांगना चाहूंगी, आपको रोकना चाहेंगे, पूर्व सीएम रमन सिंह इस वक्त मीडिया से कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनवा देते अपने दर्शकों को। और इस बात का जिक्र भी करते हैं कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, अटल जी और अडवाणी जी और सुषमा जी से मैं प्रभावित रहा हूँ। मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता ने निर्णय लिया है, मैं तो आज यही कह सकता हूँ कि 40-50 साल की तपस्या और मेहनत पार्टी ने किया, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी के ये काम किया, और यदि एक नया रास्ता उन्होंने चुना है तो आज मैं यही कहता हूँ, मेरी शुभकामना। कितनी बड़ी क्षति देखते हैं इसको? ये तो निश्चित रूप से पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जाता है तो नुकसान तो होता है। एक बड़े चेहरा थे, आदिवासी नेता थे, निश्चित रूप से उनका छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और बाकी जगह पहचान थी और नाम था। कितना चुनाव के समय कितना ये इम्पोर्टेंट, चुनाव की राजनीति तो बाद में समझ में आएगा चुनाव में क्या किसका प्रभाव पड़ता है, मगर आज मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इस अवसर में उनको शुभकामना ही दे सकता हूँ। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह को आप सुन रहे थे, अभी कुछ कह रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से बात रखी निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति उन्होंने बताया है, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है आदिवासी क्षेत्र में काम कर रही है, अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, और इस बीच नंद कुमार साय अगर कांग्रेस प्रवेश करते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ी क्षति यहां पर पार्टी के लिए।
नंद चंद्रशेखर जी, चूंकि हम पहले बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि अटल आडवाणी के दौर से उन्होंने कहा कि प्रभावित होकर वो पार्टी पर पार्टी में काम करते रहे। एक बड़ा आरोप आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप कहे या ये बात कहे उन्होंने रखी है कि अब जो बीजेपी है वो अटल आडवाणी की पार्टी नहीं रही। ये बातें पहले भी आती रही है चंद्रशेखर जी, अलग अलग मंचों पर अलग अलग नेताओं ने बातें कही हैं कि अब जो बीजेपी अटल आडवाणी की पार्टी नहीं, तो क्या ये माना जाए कि नंद कुमार साहब के इस बयान के बाद इस बात को फिर से हवा मिली है? नहीं, देखिए अटल जी आडवाणी जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकार से पितृ पुरुष हैं आडवाणी जी, और अटल जी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। आखिर क्षण तक वो भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के शुभचिंतक के रूप में रहे, हम सबके मार्गदर्शक रहे। आज भी माननीय आडवाणी जी मार्गदर्शक हैं, वो अपना अपना विचार हो सकता है, और एक परिपक्व आदिवासी नेता जिनके साथ अनेकों बार लोगों को काम करने का अवसर मिला है, अनेकों महत्वपूर्ण दायित्व में रहे हैं जी, आज यदि वो कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गले उतरने वाली है। आज भी पार्टी अटल जी के आदर्श पर चल रही है, माननीय आडवाणी जी के मार्गदर्शन पर चल रही है, और स्वयं साय जी तो संस्कारित व्यक्ति हैं, संघ के संस्कार से भी वो अनुप्राणित रहे हैं। चंद्रशेखर जी और राहुल, मुझे लगता है कि यही समझ के परे है कि जब लगातार इतना लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, भाजपा के बड़े बड़े पदों पर वो आसीन रहे हैं, और अब आखिर इतनी क्या नाराजगी हुई कि बीजेपी का दामन छोड़ करके वो कांग्रेस में। चंद्रशेखर साहू जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो जाएगा राहुल, हर एक प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कर्स के वाटर प्रूफिंग सिस्टम से आपके घर को और सोसाइटी को सुरक्षित रखिए। इस्तेमाल कीजिए मास्टर क्रेको सील क्रैक फिलिंग के लिए, और उसके ऊपर टू कोट मास्टर वाटर सील 5 साल वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 1800224151। छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी मनला श्रमिक दिवस और बोरे बासी तिहार की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। रवि तिवारी, पूर्व सचिव रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इतनी गर्मी में शादी, केवल आशीर्वाद दीजिए। जी अंकल, जी जी जरूर देंगे। आशीर्वाद चाहोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद वेदर गार्ड टैंक्स। एसिडिटी शुरू हो गई, गड़बड़ गड़बड़। नींबू पानी पी लो। अभी भी गड़बड़, अभी भी गड़बड़। गड़बड़ मत पड़ने दो, लो इनो लो। क्योंकि इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी खांसी जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। छत्तीसगढ़ के शान हवे, छत्तीसगढ़ के शान हवे, यहाँ के बोरे बासी हा, अरे गजब विटामिन भरे हवे जी छत्तीसगढ़ के बासी माँ, गजब विटामिन भरे हवे जी छत्तीसगढ़ के बासी माँ। छत्तीसगढ़ के वासी मोर चेहरा मर रहे थे हासी, कत को मेहनत कर था मैं मोल नहीं लागे थकासी, अरे ताकत छत्तीसगढ़िया के हावे बोरे बासी गा, अरे गजब विटामिन भरे है भैया छत्तीसगढ़ के बासी माँ। किसान में छत्तीसगढ़िया, बंधार में छत्तीसगढ़िया, गुरतुर हावे मर बोली मैं हावो सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ ला सजा थो कटोरा धान के बना थो, मैं छत्तीसगढ़ महतारी के लईका बोरे बासी खाता। अरे छत्तीसगढ़ के शान हवे, अरे छत्तीसगढ़ के शान हवे, यहाँ के बोरे
बासी हा। अरे गजब विटामिन भरे हवे जी छत्तीसगढ़ के बासी माँ, गजब विटामिन भरे हवे जी छत्तीसगढ़ के बासी माँ। 1 मई को जमकर बोरेबासी खाएं और अपनी संस्कृति के गौरव का उत्सव मनाएं। मेहनत के उत्सव में पूरा छत्तीसगढ़ भागीदार बने। आप सभी को श्रम दिवस और बोरेबासी तिहार के अभी से बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमर संस्कृति हमर खान पान, छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ाईस हमर मान, छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे, आ से वाह क्या बात है। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान।